हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो टाइम हुआ है 4:30 बज गए हैं और अभी मैंने बाल वगैरह कंघी किए हैं, कपड़े उतार के अंदर रखे हैं। जो भी कपड़े सूख गए थे, जो भी क्या सारे ही कपड़े सूख गए थे जो मैंने धोकर के सुखाए थे, तो वो मैंने अंदर रख दिए। अभी तह नहीं की है और अभी हम जा रहे हैं किचन में। मौसम बादल छाए हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लाइट चली गई है, ये सारे काम हो गए हैं ख़त्म। तो अभी हम जा रहे हैं किचन में और किचन में बनानी है हमको चाय। शाम वाली चाय बनाऊंगी और दूध वगैरह गर्म करूंगी और फिर खाने की तैयारी भी करूंगी। अब बाल ना सफ़ेद हो गए हैं, ये देखिए, और बड़े गंदे लगते हैं ये बाल। जब सफ़ेद हो जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। पर्दे वगैरह खोल दिए हैं, उधर का कोई गेट खोल दिया है सामने वाला, क्योंकि लाइट चली गई है और ज़्यादा अभी लाइट का यूज नहीं करेंगे वरना तो फिर रात की तरह हमको भी पछताना पड़ेगा, जैसे कि रात हुआ था हमारे साथ, है ना। बहुत परेशान हो गए थे रात हम बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए बचत करके चलते हैं। बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, है ना। छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं हम। तो अभी मैंने गैस चला दी है और तवे को साइड में रखती हूँ। अभी अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। वो अभी आए हैं सुबह से, नाश्ता करने के बाद सुबह से अभी आए हैं, तो उनको खाना वगैरह बनाएंगे और हम चाय बनाएंगे। अगर वो चाय पियेंगे तो चाय भी बनाएंगे उनके लिए, क्योंकि ना खाना आज ऐसा है कि दही वो मट्ठा लेनी ही पड़ेगी। इसलिए देखते हैं, अगर ये नहीं लेंगे तो फिर चाय ले लेंगे। तो चलिए फ़ोन को सेट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं और वीडियो को आगे पूरा करते हैं। तो पता नहीं मैंने ट्राईपोर्ट किधर रख दिया है, मुझे याद भी नहीं रहता है। ट्राईपोर्ट किधर रखा है अनुष्का? उधर है, उधर है रूम में। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, उधर रख दिया है। और मुझको ना याद नहीं रहती हैं चीज़ें, रख के भूल जाती हूँ। तो चलिए मिल गया है, हम आराम से इस पर सेट कर देंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और किचन में कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी, और चाय भी बनाऊँगी साथ में। तो चाय बनाऊँगी मैं अपने और अनुष्का के लिए, और अनुष्का के पापा जी आ गए तो उनके लिए बनाऊँगी खाना, क्योंकि ना खाना चाय के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज ना खाने में मट्ठा है साथ में। तो फिर आज का मट्ठा तो रोज़ ही रहती है, लेकिन मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा मट्ठा लेनी है या चाय, तो उन्होंने मना कर दिया। बोल रहे थे कि मुझे मट्ठा लेनी है, चाय नहीं पीनी है, क्योंकि गर्मी में वो कम ही पीते हैं चाय, वैसे भी वो ठंडी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं गर्मी में। तो अभी यहाँ पर मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया है और मैं अदरक ले रही हूँ, जो कि अदरक तो डालनी ही डालनी है चाय में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन चाय में अदरक ज़रूर डलेगी। बिना अदरक के तो चाय फिर बेकार ही है मेरे लिए, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो अभी मैं अनुष्का से बातें भी कर रही थी और यहाँ पर चाय भी बना रही थी साथ की साथ। और उधर मैंने रख दिया है जो दूध था सुबह वाला, वो गर्म करने के लिए, जो कि दोबारा से गर्म हो रहा है, सुबह एक बार हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, तवे को साफ़ कर लिया है और मैंने तवा ले लिया है, और अभी मैं इसको रखूँगी गैस पर और फिर बनाऊँगी मैं खाना। और मैंने गैस चेंज कर दी है, क्योंकि ना मतलब कि भगोना चेंज कर दिया है, छोटे वाले चूल्हे पर रख दिए है चाय और इस पर रख दी है बड़े पर क्या बोलते हैं तवा। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने ना मुझे बनानी है घी के हाथ की रोटी, मुझे पलोथन वाली नहीं बनानी है, और मैंने घी का डब्बा भी ले लिया है साथ में। और आज ना अनुष्का के पापा जी को बहुत बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है खाने के लिए, वो आ ही नहीं पाए, पता नहीं क्या है, कभी कभी ना काम इमरजेंसी में घिर जाते हैं काम में, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से मैं सुबह को हैवी नाश्ता करा करके उन्हें भेजती हूँ, जिससे कि थोड़ा वो रहे, भूख ज़्यादा ना लगे। तो सुबह को मैं हैवी नाश्ता करा देती हूँ, या तो पराठे बनाती हूँ या फिर वो बनाती हूँ, ब्रेड सेक देती हूँ, तल देती हूँ, सेक देती हूँ, जो भी आप बोलते हो घी लगा करके, तो ऐसे करा देती हूँ, अच्छे से करा देती हूँ, ऐसे नहीं एक आधा, जितने भी वो खा पाते हैं इतना दे देती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर उनकी थाली लगानी कर दी है शुरू, मट्ठा ले लिया है और रोटियाँ सेक ली हैं, रोटियाँ रख ली हैं और इसमें सारे सामान रख लिया है। अभी मैं उनको खाना दे करके आती हूँ, जो कि वो आ चुके हैं नहा करके, तो खाना दे के आती हूँ।
तो चाय वगैरह पीने के बाद, खाना देने के बाद, और जो छोले रखे हुए थे जो कि मैंने सुबह भिगो दिए थे छोले, उनको उबालने के लिए रख के आ गई हूँ। और आ करके मैं वॉशरूम में करने लगी हूँ कपड़ों की धुलाई, जो कि अभी कपड़े मशीन में थे थोड़े से, तो मैंने कहा चलो उनको निकालते हैं, और जो बाकी के कपड़े हैं जो अनुष्का के पापा जी के, उनको फिर डाल देंगे और फिर मशीन को बाद में साफ़ कर देंगे। तो वही काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये कपड़े मेरे और अनुष्का के धुल गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको साफ़ पानी में निकालते हैं और सुखाते हैं। क्योंकि ना हम लेडीजों की आदत होती है, जैसे कि अब छोले उबलेंगे है ना, तो इतनी देर में हमें कुछ ना कुछ, इस बीच हमें कुछ ना कुछ काम ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो हमें करना होता है तो हम उसको ढूंढ लेते हैं कि भाई हाँ इतनी देर में इस काम को कर सकते हैं, तो फटाफट से उस काम को कर लेते हैं। बाकी की इसमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जब इसकी ज़रूरत होगी फिर हम इधर आ जाएंगे। तो वही वाला यहाँ पर काम चल रहा है। अभी मैं कपड़े धो करके सुखा दूंगी, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। एक टॉवल डाल दी थी जो कि गंदी हो रही थी, मैंने कहा चलो इसको भी धोते हैं, क्योंकि मशीन उन्होंने कर दी है ठीक, जैसी भी उनसे हुई है ऐसी कर दी है, फिलहाल चल रही है, आगे का आगे देखेंगे क्या होता है। तो अभी मैंने एक बार साफ पानी में निकाल ली है, और अभी मैं और भी निकालूंगी, क्योंकि कपड़ों को अच्छे से 2-3 बार निकालना पड़ता है पानी में। और अभी यहाँ पर अनुष्का कुछ मुझसे पूछ रही थी, तो मैं उसको यहाँ पर बता रही थी, सुन रही थी, क्योंकि ना टंकी चला लेते हैं तो वॉशरूम में, और उधर मशीन भी चल रही थी तो आवाज़ नहीं आती है ना, अंदर से अगर कोई आवाज़ मारे या नीचे से कोई आवाज़ लगाए तो फिर आवाज़ नहीं आती है, फिर सुनना पड़ता है। तो फिर टंकी बंद करो या मशीन सब कुछ बंद करके काम करो तब आएगी। तो अभी अनुष्का पूछ रही थी कि मैं बहुत देर से आवाज़ लगा रही हूँ, आपने मेरी बातें नहीं सुनी। मैंने कहा बाबू मुझे आवाज़ ही नहीं आई, यहाँ पर शोर इतना हो रहा था। बोली अच्छा कोई बात नहीं है। तो वो कुछ पूछ रही थी, मैंने उसे बता दिया है और वो चली गई। कपड़े भी मेरे धुल गए हैं बस, अभी शाम के खाने की तैयारी। और मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें जीरा और मैं बना रही हूँ छोले। तो मैंने जीरा डाल दिया है एक, ये वो डाल दिया है, खड़े मसाले डाल दिए हैं इसमें, और अभी डालूंगी। और इधर मैंने जो मसाले की प्यूरी बनाकर तैयार की थी वो डाल दी है इसमें। सारी चीज़ मैंने मिक्स कर ली है, टमाटर और लहसुन प्याज और यही सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ही मैंने मसाले को तैयार कर लिया था और अभी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से पकाऊंगी और फिर इसमें डालूंगी मसाले वगैरह। तो अभी इसको अच्छे से डालती हूँ, और जो इसमें रह जाएगा ना उसमें पानी करके, और फिर छोलों में मैं डाल दूँगी। तो चलिए इसको हम कढ़ाई को तेज़ कर देते हैं। और यहाँ पर अनुष्का ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बने या फिर छोले की सब्जी बने, अनुष्का को ना बहुत मन लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में। तो वो आ गई है, उसने बोला है मुझसे कि मुझे बनाना है, तो उसने सारे मसाले ले लिए हैं, जो मैं एक आधा छोड़ देती ना उसने वो सारे ही मसाले ले लिए हैं। और इधर लग रही है वो मसाले को भूनने के लिए, और साथ के साथ सारे मसाले भी डाल रही है, आप देख सकते हो। और बहुत टेस्टी सब्जी बनाती है अनुष्का, पनीर की भी और छोले की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और इधर मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी कट कर दी है, वो भी इसी में डाल देंगे। इसको छुटा लेना बाबू, बस बस बस। और इधर मैंने छोले उबाल दिए हैं, और ये दो आलू उबाले हैं जो कि इसमें मैश करके डालने हैं, जिससे कि ग्रेवी अच्छी बन जाएगी इसलिए। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है, ये देखिए। और आटा लगाया है मैंने दो तरह का, एक तो ये है भटूरों का आटा, और ये है
पूड़ी पराठे या रोटी कुछ भी बना सकती हूँ, क्योंकि उसका के पापा जी नहीं खाते हैं भटूरे, तो इसलिए उनके लिए फिर मैंने साथ ही साथ ही आटा भी लाकर तैयार कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि रायता भी तैयार कर दूँ, और देखो इसमें क्या कलर आ गया है, अभी तो कुछ ही देर हुई है। तो छोलों को तड़का लग गया है और मैंने गैस को स्लो कर दिया है, जिससे कि आराम से अच्छे से बढ़िया से खदक जाएं और अच्छा सा कलर आ जाए। कलर वैसे भी अच्छा आया हुआ है, आप देख सकते हो। अनुष्का ने बहुत ही अच्छे छोले बनाए हैं और खा करके बताएंगे कैसे बने हैं। और इधर मैंने रायता कर दिया है तैयार, ये देखिए रायता भी बनकर तैयार है। और इधर मैंने सलाद भी कट कर दी है, ये देखिए प्याज है और नीचे इसमें खीरे भी हैं, ये देखिए ये नीचे खीरे हैं, हरी मिर्च हैं, नींबू है। और टमाटर मैंने इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि टमाटर बस मेरे सिवा ये और कोई भी नहीं खाता है सलाद में, तो मैं इसको कुछ और चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ जैसे ही छोले बन जाएं ऊपर से जो तड़का लगाते हैं ना प्याज और टमाटर डाल करके ऊपर से जो डालते हैं वो वाला सोच रही हूँ, तो अभी देखती हूँ। इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है, अगर सलाद में खाएंगे तो फिर मैं इसे और तरीके से कट करूँगी, अगर इसमें डलेगा तो फिर दूसरी से मैं कट करूँगी, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। तो और इधर मेरा आटा लग ही गया है, पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था, अभी मैं इसको ढक देती हूँ जिससे कि अच्छे से खदक जाए। और यहाँ पर सब्जी लेकर के आए हैं अनुष्का के पापा जी, तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी को ना खिला करके रख देती हूँ और देखती हूँ सब्जी क्या आई है ना। सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, बस यही पूछते रहते हैं क्या लेकर के आऊँ क्या लेकर के आऊँ, और कुछ समझ में नहीं आता है कि सब्जी मंगाई क्या जाए, है ना। तो फिर यही जो ले आए हैं, ठीक है, प्याज है इसमें, तो प्याज है, हाँ ये तो प्याज है, और इसमें आलू हैं, क्योंकि आलू की आलू टमाटर की सब्जी बना लो, आलू दम की सब्जी बना लो और पराठे बना लो, तो इसको कई प्रकार से यूज कर लेते हैं, इसलिए आलू भी लेकर के आ गए हैं। और इसमें हैं, अभी खोलती हूँ, इसमें हैं भिंडी, हरी मिर्च और टमाटर, भिंडी हरी मिर्च टमाटर, बस यही सब्जी है आज, तो थोड़ी ही सब्जी लेकर आए, चलो अच्छा है, ठीक है, ताज़ा ताज़ा सब्जी मंगाते रहेंगे यही ठीक रहता है। तो फटाफट से इनको खिला करके रखती हूँ और इनको धो करके रखती हूँ। तो सारी सब्जियाँ मैंने धो करके रख दी हैं, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च और भिंडी, ये सारी सब्जी मैंने धो करके और रख दी हैं। अब इनको ना एक जगह रख दूँगी कहीं, जिससे कि इनका पानी सारा अच्छे से सूख जाए और फिर इन्हें फ्रिज में लगाऊँगी। तो चलिए काम भी हो गया।
पर मैंने थाली लगा दी है और मैंने अपनी गुड़िया रानी के लिए थाली लगाई है और थाली लगकर हो गई है तैयार। सलाद रख दी है, छोले रख दिए हैं, रायता रख दिया है और भटूरे रख दिए हैं। भटूरे ना आज बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो पहली थाली हमारी बेटी के लिए जाती है, हमारी गुड़िया रानी के लिए जाती है, और इससे पहली थाली जो जाती है वो कान्हा जी के लिए जाती है जो कि चली गई है। और सिर्फ मुझे ये चार भटूरे ही बनाने हैं क्योंकि मैंने अनुष्का के पापा जी के लिए पूड़ियाँ बना दी हैं क्योंकि वो भटूरे नहीं खाते हैं। और इसको ढक दूंगी क्योंकि ये ठंडी हो जाएंगी, वैसे भी जब तक वो आएंगे ठंडी ही हो जाएंगी। तो चलिए अभी और आगे के भटूरे जो हैं उन्हें तल लेते हैं और छोले को कर देते हैं साइड में। छोले देखिए कितने प्यारे बनकर तैयार हुए हैं, ये देख सकते हो। तो चलिए आगे के भटूरे भी बनाते हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। भटूरे, छोले और रायता, सलाद, सब कुछ। तो आगे के तल लेते हैं। लो बाबू ले जाओ खाना, अपना खाना ले जाओ, खा लो, आप भूख लग रही होगी ना, खा लो ले जाओ और फिर बताना कैसा बनना है, ठीक है। और ये देखिए सारे ही भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से फूल करके आ रहे हैं सारे ही भटूरे। बाबू कैसा बना है, कैसे बने भटूरे? अच्छे बने एकदम बढ़िया। और छोले, छोले भी टेस्टी है ना। और ये देखिए मैं इससे पहले भी बहुत बार भटूरे बना चुकी हूँ लेकिन ऐसी सफलता मुझे कभी नहीं मिली जिंदगी में, पहली बार मुझसे इतने अच्छे भटूरे बने हैं, ये देखिए जिंदगी की पहली सफलता। पहली बार मुझे, पहले भी कई बार बना चुकी हूँ पर इतने अच्छे नहीं बने जितने अब की बार बने हैं। तो गाइस मैं भी अपनी थाली लगाकर ले आई हूँ, दो भटूरे ले लिए हैं, रायता ले लिया है और छोले ले लिए हैं, सलाद ले लिया है। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, कूलर को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ना फिर आपसे बातें करती तो आवाज़ नहीं आती। और कई दिन से अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा छोले भटूरे बना दो, मम्मा छोले भटूरे बना दो, लेकिन गर्मी की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। और जैसे ही मैंने आज शाम शुरू किए बनाने ना, फिर से इतनी गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे तो एक मिनट के लिए भी कूलर पंखे से नहीं रहा जा रहा इनके बगैर, लेकिन आपसे बातें करने की वजह से मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अभी मैं खाती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसे बने। वैसे अनुष्का ने बोला है कि मम्मा बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे। और अभी ना गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से मेरी बिंदी भी गायब है, बिंदी भी गायब है और पता ही नहीं चला। और सब बोलते हैं कि आप मोटे हो रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, लेकिन क्या करूँ, जब चीज़ें घर में ऐसी बनती है ना कंट्रोल नहीं हो पाता। और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझसे खाने के उसमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता और ना ही मैं जरा सी भी देर भूखी रह सकती, मुझसे भूखा भी नहीं रह जाता। अब जो है ठीक है, कोई बात नहीं, पहले खाना खाते हैं फिर आपसे बताते हैं कि कैसा बनना है। आप सब भी खा लो। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, एकदम बढ़िया टेस्टी। तो अभी ना मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।